Traigunya Vishaya Veda Nistraigunya Bhavarjuna Nirdvando Nitya Sattvastho Niryogakshemavatmavan Yavanarthaudapane Sarvata Samplutodake Navan Sarveshu Vedeshu Brahmadasya Vijanataha Karmanne Vadikaraste Ma Faleshu Kadachana Ma Karma Falahe Turbhu Ma Te Sangho Sakarmani Yogastha Kuru Karmani Sangam Tyaktva Dhananjaya Siddha Siddhyo Samubhutva Samattvam Yoga Uchyate Karmanne Vadhikaraste Ma Faleshu Kadachana Ma Karma Falahe Turbhu Ma Te Sangho Sakarmani Ma Te Sangho Sakarmani और सांख्य बुद्धि की भगवान बात बताते हैं। जो महत्वपूर्ण प्रश्न था वो ये था कि योग बुद्धि है क्या। अभी तक जो भगवान ने बताया वो योग बुद्धि के लाभ कैसे हैं, योग बुद्धि के लिए क्या होना चाहिए, इन सब की बात की गई। योग बुद्धि मतलब कर्मयोग। लेकिन इस श्लोक से 47वां और 48वां जो श्लोक है वो योग बुद्धि के बारे में बताता है। इसको देखिएगा ध्यान से। जो यह पहली पंक्ति है, मैंने उस दिन भी कहा कि ये भगवान ने किसी प्रकार का कोई आदेश नहीं दिया है। जो पहली पंक्ति है वो फैक्ट है। फैक्ट है मतलब उपदेश देने की जरूरत नहीं है, ये यही ही होता है जीवन में। वो क्या है पहली चीज, बोले जीव को एक बात बहुत ध्यान रखनी चाहिए, कर्मणि एव अधिकारः ते, तुम्हारा जो अधिकार है वो कर्म में है। पहली बात, तुम्हारा ही अधिकार है। एक वाक्य मैंने उस दिन भी बोला था, तुम्हारा ही अधिकार है। तो सिर्फ पशु का कर्म में अधिकार नहीं है, कर्म करने का जो अधिकार है वो सिर्फ किसको है, मनुष्य को है। और दूसरी एक पंक्ति बोली गई, मनुष्य का कर्म में ही अधिकार है। कर्म का अधिकार मतलब क्या है ना, यहां से चर्चा छिड़ी थी। तो जो सबसे पहली एक चीज कही गई कि ये पहले जानो कि कर्म क्या है।
कर्म क्या है ये जानो। जो परिभाषा दी गई वो ये दी गई कि कर्तृत्व पूर्वक विधि निषेध की क्रिया को कर्म कहते हैं। मतलब देखना चाहिए कि वह क्रिया कर्तृत्व पूर्वक हो रही है या नहीं। कर्तृत्व पूर्वक मतलब मैं कर रहा हूं यह वृत्ति है या नहीं। यदि वह मैं नहीं हूं और वो हो रही है तो उसको कर्म नहीं कह सकते, क्योंकि यहां बात किसकी हो रही है, कर्म की। बोले फिर जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया कि आपकी जो सांस है वो आ रही है और जा रही है, तो मुझे तो ये भान नहीं है कि मैं इस सांस को ले रहा हूं और मैं इस सांस को छोड़ रहा हूं, तो अब ये क्या कहलाएगा, कर्म तो नहीं कहलाएगा। लेकिन मैं पूजा करने जा रहा हूं, ठीक है ना, मैं प्रवचन करने जा रहा हूं, मैं यहां की काम करने जा रहा हूं, तो यह जो मैं की भावना आ गई इसको क्या बोलते हैं, कर्तृत्व, ठीक है ना। जब हम एक इंडिविजुअल अपने आप को मानते हैं और ये सोचते हैं कि इसका फल मुझे क्या मिलेगा और क्या मुझे नहीं मिलेगा, तो विधि और निषेध, कोई जरूरी नहीं है कि खराब काम किया जाए, अच्छे काम करने को भी कर्म कहते हैं तो खराब काम करने को भी कर्म कहते हैं। तो सत्कर्म और दुष्कर्म दोनों ही कर्म है, हो गया ना। तो कर्तृत्व पूर्वक विधि निषेधात्मक क्रिया को कर्म कहते हैं। अच्छा, अब मेरी बात ये भी आपसे उस दिन हो गई, और आखिरी बात ये थी कि अधिकार मतलब क्या। अधिकार मतलब कि तुम कर्म करने में स्वतंत्र हो तो कर तुम, दूसरा अकर तुम चाहो तो ना करो, उसी को अधिकार कहते हैं। मतलब मैं ऑफिस जाऊं और मैं चाहे ऑफिस न जाऊं, ये मेरा क्या हुआ, बोलो जी, अधिकार। कर तुम अकर तुम यही नहीं, अन्यथा कर तुम, मैं वहां न जाके मैं कहीं और जाऊं, लो जी अकर तुम, ये तीसरा हो गया। मैं चाहूं तो करूं, मैं चाहूं तो ना करूं, मैं चाहूं तो कुछ और करूं, ये जिसके पास है उसको बोलते हैं अधिकार। भगवान बोलते हैं तुम्हें कर्म का अधिकार है, जाओ। बहुत बड़ा स्टेटमेंट है ये, तुमको छूट दी है कि तुम चाहे करो और तुम चाहे ना करो और चाहे कुछ और करो। जैसे आप प्रवचन में चाहे आओ चाहे प्रवचन में ना आओ और प्रवचन के अलावा कहीं और जाओ, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, इसको बोलेंगे अधिकार। पहली चीज तो ये देखना चाहिए कि मेरा अधिकार कहां है। जब बोला गया कि कर्म में अधिकार है तो कुछ सोच के कहा गया होगा, तो पहली जो पकड़ होनी चाहिए वो ये है कि जब कोई संत बोलता है कर्म में अधिकार अधिकार, तो अधिकार मतलब क्या। अगर मुझे जबरदस्ती करना ही पड़े, थोड़ा बढ़ाना, जबरदस्ती करना ही पड़े तो मत समझ लेना आप अधिकार नहीं है, तो आप बंधन में है। भाई एक जेल में जो एक कैदी है, अब सोचो आप उसको अधिकार है क्या, तो बंधन में, तो उसको करना ही पड़ेगा।
लेकिन मनुष्य के पास ये छूट है, चाहे तो वो अच्छा काम कर ले, चाहे तो वो बुरा काम करे, और चाहे वो कुछ ना करे। लोग बोलते हैं ना, मुझसे ये काम किसी ने, ये भी बहुत सच्चाई नहीं है। कर्म करने वाले तुम हो, चाहे तो करो और चाहे तो ना करो, बना ना। मेरे ख्याल से ये पंक्ति यहां तक हो चुकी है अपनी बात। तो अब ये पहली पंक्ति को खोल के देखना, कर्मणि एव अधिकारः ते, ते मतलब तुभ्यम, तुम्हारा अधिकार सिर्फ और सिर्फ कर्म में है। अब एक चीज याद रख लो, तुम्हारा अधिकार शब्द फिर आ जाएगा, ध्यान रखना, दीप दहली न्याय से, तुम्हारा अधिकार मा फलेशु, तुम्हारा अधिकार फल में नहीं है। अब फल में नहीं है मतलब क्या आएगा क्या नहीं आएगा, ये तुम्हारे वश की बात नहीं है। सोचो अब हमें परेशानी किससे, जबकि ये एक फैक्ट है कि फल मेरे अधिकार में नहीं, कहीं का फल मेरे अधिकार में नहीं। मेरा शरीर कब बूढ़ा होएगा ये मेरे अधिकार में, फर्क देखना। और बड़ी अच्छी चीज, कितनी चीज तो अधिकार में है, पहले ये देख लेना आप अपने, तो फल की बात की जाए जरा। शुरुआत तो यहां से कर, कितनी चीज आपके अधिकार में है, आपके कहने से होता कितनी चीज है। आपका अपना शरीर आपकी बात नहीं मानता तो किस बात का, सोचो आप। तो एक बार इस पे भी सोचना चाहिए, तो किस बात का अभिमान। लेकिन फिर भी भगवान बोलते हैं चलो, मनुष्य के साथ ये है कि कर्म पे अधिकार है, तो उसने ये भी सोच लिया कि मैं इतना करूंगा तो मुझे इतना मिलना चाहिए, ये उसने किस पे अधिकार किया, फल पर। और उतना नहीं मिलता है, व्यक्ति को धक्का पहुंचता है, नहीं है, सोच के दुखी किस बात से। व्यक्ति नौकरी में दुखी, उद्यम में दुखी, आखिर उस दुख का कारण क्या है, हमने जो सोचा था वो नहीं हुआ, उतनी मात्रा में नहीं हुआ, इसलिए मैं दुखी हूं। पहला प्रश्न है, ये तुमको किसने अधिकार दिया कि इतना होगा, ये किसने कहा था तुमसे, किसी ने नहीं कहा, तो फिर सोच के देखो जरा, इतना आएगा ये किसने कहा था, ये कहा गया तुम कर लो, अच्छा ये सोच लो, ये भी ठीक है मिलेगा, लेकिन इतना ही मिलेगा ये तुम्हारे वश की बात। लोग बहुत सरल उदाहरण देते हैं कभी कभी संत लोग, कि परीक्षा में प्रश्न पत्र को हल करना हमारे हाथ में है, उसमें कितना नंबर देगा ये अब आपके हाथ में नहीं। देखो यार क्या करोगे आप, ठीक है या नहीं, हो गया। मां फलेशु कदाचना, ये दो ऐसी चीजें जिसके लिए उपदेश नहीं देना है, आदेश की जरूरत नहीं है, वो दो चीजें हो गई। तुम फ्री हो, लोग बोलते हैं ना, सब पहले से भगवान ने सब रच के रखा है और वही होगा जो भगवान सब, ये फिलॉसफी की अति करना हो गया, एक्सेस। आपको छूट दी गई किस बात की, जो करना है वो करो, किसने मना किया। अरे रावण को कुंभकर्ण को गाली देने से कोई मना कर सकता था, किया ही उन्होंने, जो करना था वो किया ही, ध्यान रखना। फिर ददीची को भी वो करने से कोई नहीं रोक सकता था, तो ददीची ने भी किया, दोनों फैक्ट हैं। आतंकवादी को घटना करने से कोई नहीं रोक सकता,
लेकिन अच्छे व्यक्ति को भी अच्छे काम करने से भी कोई, ये भी फैक्ट है। तो एक ये दिमाग से चिंतन निकालिए कि जो भगवान ने कहा है, जो भगवान ने सब रच रखा है, तो इससे तो एक सिद्धि होती है कि फिर करने को है क्या यहां, फिर करने को क्या है यहां, खाओ पियो, और खाने पीने के लिए भी क्या करना पड़ेगा, उठना पड़ेगा, कमाना पड़ेगा भाई, अन्न तो डालना पड़ेगा। हाँ, तो अति हो गई इसको बोलते हैं। ये भगवान ने, अगर भगवान को यही कहना होता तो ये श्लोक नहीं कहते फिर वो। सोचो जरा, कर्मणी अधिकार, तुम्हारा अधिकार है, तुम चाहे करो चाहे ना करो, चाहे जो करना हो वो करो, लेकिन एक बात ध्यान रख लेना, एक बार कर्म कर दिया तो फल तुम्हारे अधिकार में नहीं है। अब आप दिमाग में बना के रख लो, ये क्या आएगा और क्या से मैं ये बोलूं कितना आएगा, ये अब आप नहीं कह सकते। सोच लो, समस्या यही है। हम मनी मन एक कल्पना बना लेते हैं कि मैंने इतना किया तो इतना आएगा, ये किसने कह दिया? कई बार तो ये भी तो आपको पता है कि आपने कम किया और उस समय तो नहीं जिंदाबाद किया तुमने, आज ज्यादा किया और कम मिला तो फिर मैंने कंप्लेन करना चालू कर दी। जिस बार कम किया था और ज्यादा मिला था उसके बारे में क्या ख्याल है? मुझे लगता है वो ज्यादा है, ठीक है ना? अपने अपने जीवन का सब परसेंटेज देखना। अच्छा जी, अब तीसरी चीज बोलते हैं भगवान, एक बात अर्जुन, ये मेरा आदेश है, ये मेरा उपदेश है। और तीसरी बात ये है, मां कर्म फल हेतु भू, भू मतलब हो। अर्जुन, बहुत बड़ी लाइन है, कर्म का कारण तुम मत बनो, बहुत बड़ा उपदेश है, यही इसकी मूल लाइन है आखिरी की। दो ये साधना है, पहले की जो दो लाइन है वो साधना नहीं है। आप भगवान को चाहे मानो और चाहे भगवान को न मानो, ये तो होगा, कर्म करोगे तो फल तो मिलेगा। चाहे आप भगवान की पूजा कर लो, फल उतना ही आएगा जितना आपको मिलना है। लेकिन ये बात बहुत सुंदर है, मां कर्म फल हे तुर्भु, कर्म के फल का कारण तुम मत बनो। याद रखना ये पंक्ति और इस पे मनन करना, क्या कहने क्या चाहते हैं। कर्म के फल का कारण तुम मत बनो। तुम मत बनो तो मतलब कौन? बोले वो कोई तीसरा है। तुम मत बनो मतलब, सोचना जरा, ये मतलब कहना क्या चाहते हो आप? ये कहीं झांसी में स्वामी जी की शायद हुई थी, वहां पे एक अच्छी कंपनी में ये प्रश्न पूछा गया कि आखिर कर्म के मोटिवेटिव जो फैक्टर हैं, कर्म के जो प्रेरक हैं, वो क्या होने चाहिए? भगवान ये बोलते कर्म के प्रेरक तुम मत बनो। ये अध्यात्म है, तुम अपने आप को बीच में मत लाओ, तुम लाओगे तो पिस जाओगे। कर्म तुम अपने उससे मत करो। अच्छा जी, अब इसके दो हिस्से करता हूं मैं, अब एक अध्यात्म और एक समाज। जब आप अच्छी, इसको आप क्या कहें, यहां तो आप आध्यात्मिक हैं, जब हम लोग इसी विषय को जब किसी कॉरपोरेट जगत में और किसी कंपनी के सामने, ज्यादातर लोगों का टॉपिक यही होता है
कि कर्म के जो मोटिवेटिव फैक्टर हैं वो कौन से हैं। वहां तो अध्यात्म नहीं चलता, ना उनको लेना देना है, तो उनके लिए भी दो तीन चीजें बताई जाती हैं। आखिर वो व्यक्ति कर्म करेगा कब आपके पास? किसी भी कंपनी में, किसी भी कॉरपोरेट जगत में कोई व्यक्ति काम कब करेगा? वो कर्म का प्रेरक क्या है? और काम अच्छा होए, हाँ, वेरी गुड, है ना। आप जरा सच्चाई से परहेज मत करना, जो है सो है, उसको स्वीकार करना। भगवान भगवान कुछ नहीं है, ध्यान रखना वहां। हाँ करो, तो इसीलिए मैंने बोला ना, एक अध्यात्म है और एक समाज है, और दोनों की अचीवमेंट्स देखना जरा। तो इंडस्ट्री में तो ये नहीं है, इंडस्ट्री में तो बोलता है कि कर्म करने का कोई ना कोई तो उसका प्रयोजन होता है। अध्यात्म में भी है, मैं आपसे कहूं, सुलझा सुलझा के चलना, ध्यान रखना। ये जब इंडस्ट्री में कहा जाता है तो सबसे पहले कर्म अच्छा होवे, ये उस मैनेजमेंट की जिम्मेदारी होती है। लेबर को लाना एक अलग चीज है, लेकिन लेबर से उस व्यक्ति से काम करवाना, ये उससे भी बड़ी जिम्मेदारी है। ये अब ऊंचे तबके के लोगों के लिए ये विषय, उनके लिए तो मैं अलग बोलूंगा, लेकिन उसके लिए कि आपको जो लोग दिए गए उनका आपने क्या यूज किया, अदरवाइज बाहर करो ना। अगर उनका अपना खुद का एजेंडा है तो आप बाहर करो, ये बहुत साफ रहना चाहिए। जब हम ऐसे कहीं आध्यात्मिक और समाज में जगह होते हैं तो व्यक्ति का एजेंडा नहीं चलता। मुझे अच्छा लगता है, मुझे नहीं अच्छा लगता, ये किसी ने आपसे नहीं पूछा। समाज को ये चाहिए कि समाज को ये चीज नहीं चाहिए, वो बताओ। लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग घर में है ना। लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग का एरिया घर में होता है कि मुझे ये खाना है, मुझे ये नहीं खाना है, मुझे ये करना है। लेकिन जब आप समाज में हैं, संस्था में हैं और पदाधिकारी, अब प्रधानमंत्री बोले नहीं मैं रात में 3 बजे नहीं उठूंगा, अब विदेश का राष्ट्रपति आ रहा हो, ठीक है, उसको आप पढ़ना कभी इंटरव्यू, रात रात कहीं एयरपोर्ट पे तो कभी इधर, उसको नींद ही नसीब नहीं। क्यों? वो प्रोटोकॉल में सबसे जा रहा है मिलने ही, इधर 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 रात दिन यही। क्यों? उसके हमको लगता है वो स्वतंत्र है, बट वो स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि उस देश के आगे। अच्छा आप क्या कहोगे, जो बॉर्डर पर लोग खड़े हैं वो कहें कि नहीं आज का दिन अच्छा है इसलिए थोड़ा पिकनिक मनाने चलते हैं, तो आप क्या कहोगे? अरे देश के आगे आपकी लाइकिंग नहीं है और देश के आगे आपकी, आपका अपना ओन एजेंडा नहीं होना चाहिए। इफ यू हैव योर ओन एजेंडा देन यू आर इंडिविजुअल। जो एक चीज की मांग की गई वो नहीं है, और आपने देखा है उन लोगों को, तभी तो जाके कहीं ना कोई फल आता है, ऐसे फल थोड़ी ना आएगा। और उन्हीं लोगों से हमें आशा भी होती है, याद रखना, पुलिस से आशा नहीं होती, लेकिन आपको आर्मी से क्या है, थोड़ी ये काम करेंगे तो फिर संभालेंगे। क्यों? कुछ है। तो जरा इस चीज को बारीकी से देखना। किसी इंडस्ट्री में यदि कर्म को बढ़ाना है तो उसके जो मोटिवेटिव फैक्टर है, वो द फर्स्ट मोटिवेटिव फैक्टर इज एप्रिशिएशन। स्टार्ट यहां से करें, उत्साह वर्धन वर्धन, यहां से दिखाता हूं आपको। जब आप उनका उत्साह नहीं बढ़ाएंगे तो आपको पता है जो एफिशिएंसी लेवल है,
जो आउटपुट है वो क्या हो गया, कम हो गया। देखो इतने 3 साल दौड़ते धूपते और वो क्या करते, उपवास करते, अपने शरीर को मेंटेन करते हुए किसके लिए, एक सोने का पानी चढ़ा हुआ पता नहीं क्या, वो भी तमगा कितना बड़ा, इतना, उसके लिए कितनी मेहनत सोचना जरा, आती ना बात समझ में आपको, ये ओलंपिक है वो हर साल होता है क्या, क्या चाहता है वो। अरे एक व्यक्ति सरकारी नौकरी में इतना करता और कहीं उसको एक इनाम, एक कोई बिल्ला टांग दिया गया तो बस बस अब उसका उसको उत्साह, मुझे किसी ने क्या किया, उत्साह दिया। वो सब कुछ धन से नहीं है, ध्यान रखना, धन से सब कुछ नहीं है। एक पहला फैक्टर है ये मैं ध्यान रखना, मैं जिस एरिया की बात कर रहा हूं वो है समाज, वहां कर्म का जो मोटिवेटिव फैक्टर है, द फर्स्ट मोटिवेटिव फैक्टर इज एप्रिसिएशन, उत्साह संवर्धन। नोट कर लेना आप दिमाग में जरा, उत्साह नहीं बढ़ाया जाए, उत्साह बढ़ाना किसका काम है, उसका नहीं, मैनेजमेंट का। क्या आपने कभी उनकी प्रशंसा की, क्या कभी आपने उनका उत्साह वर्धन किया, हो गया ना दम। लेकिन उत्साह वर्धन एप्रिशिएशन बार बार किया जाता रहे, घड़ी घड़ी करता रहेगा कोई, तो आप समझ लेना एप्रिशिएशन कराया जा रहा है, हो नहीं रहा है, प्लीज एस्ट्रिक मार्क। दो चीजें हो गई, उत्साह बढ़ाना चाहिए, लेकिन यदि कोई बार बार ऐसा करता है तो आपको समझना कि है उत्साह जो एप्रिशिएशन है ये जबरदस्ती किया जा रहा है, नेचुरल प्रोसेस से नहीं हो रहा है, एंड ये अच्छी बात नहीं है उस व्यक्ति के लिए भी, गर्त में है, हो गया ना। अब मैं क्योंकि मुझे आगे भी बढ़ना है तो मेरे आप कभी और सुनिएगा इस विषय को, उसकी इसके भी बड़े टाइप है एप्रिशिएशन, एप्रिशिएशन किस लेवल तक, उसका तरीका क्या होना चाहिए। उत्साह सदैव बढ़ाने के कई तरीके हैं, आपने किस तरीके का यूज किया, तो अब ये सब बहुत अलग विषय है, बट मैं अभी तो इतना छूता हूं कि इंडस्ट्री में यदि किसी को आउटपुट लेवल बढ़ाना है, एफिशिएंसी लेवल और बढ़ानी है, तो पहला आपको क्या करना पड़ेगा, एप्रिशिएशन। नाउ सेकंड, सेकंड इज रिकॉग्नाइजेशन, ये अलग है जो मैं अभी आपसे कह रहा था, उनको एक पहचान दी जाए कि आपने इतने इतने साल तक ये काम किया, आपको क्या दी गई एक, और मानव है तो ध्यान रखना उसको पहचान की जरूरत पड़ेगी और पड़ती है और मन में उसके रहता है, ध्यान रखना। इसीलिए मैं बोलूं व्यक्ति कर्म तब करेगा जब उसका उत्साह बढ़ाया जाए, हो गया, जब उसको समाज में एक क्या दी जाए, पहचान दी जाए। ये पहचान बहुत छिपी हुई चीज है, मैं आपसे पहचान तो जीव को चाहिए, उसके बिना वो रह नहीं सकता। तो आप देखो एक बार कहीं नाम लिख दिया गया बोर्ड पर तो हम देखो वो जीवन भर उसके लिए क्या है, जुड़ा है। देखा आपने संस्थाओं में बोर्ड लगे होते हैं, उसमें लिखे रहते हैं पुराने पुराने नाम, वो एक नाम लिखो क्योंकि वो उसके लिए एक बहुत बड़ी चीज है कि इतने लोगों में मेरा एक क्या हुआ, नाम आया, हो गया कि नहीं। क्या मैंने रिकॉग्नाइजेशन किया है लोगों का, कुछ लोगों को थोड़ा पहचान दी है कि नहीं दी, आप देखे देखो
आपका काम का लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है ना। नाउ द थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज व्यक्ति को प्रमोशन चाहिए। नहीं दोगे प्रमोशन, जो काम करने की जो क्षमता है वो प्रभावित होगी। काम करने की जो क्षमता है वो प्रभावित होगी, जरूर होगी। उसको प्रमोशन चाहिए तभी तो लगेगा कि यस मेरे काम को किसी ने क्या किया पहचाना है। हर जगह आप इंडस्ट्री में आप जाके ये सब करोगे तो आपका जो आउटपुट लेवल है वो एकदम आप हो सकते हो आध्यात्मिक, बट आप ये आशा नहीं कर सकते कि पूरी दुनिया ही आध्यात्मिक हो गई, ये तो नहीं कह सकते। आप प्रवचन सुनने बैठ सकते हैं, उसकी गहराई समझ सकते हैं, लेकिन आप बोलो कि वो जो गार्ड है या जो नौकर है वो आप बोलो कि इसकी गहराई समझे, उससे क्या लेना देना, उसको तनख्वाह से मतलब है, उसको अपने बस आया गया खत्म हुआ, क्या होता है क्या नहीं होता बोले हमसे क्या मतलब, क्या पढ़ाया हमसे क्या मतलब, बना ना, हो गया ना। अच्छा प्रमोशन इन विच सेंस, सदी मॉनेटरी कोई धन से ही प्रमोशन नहीं होता, ये भी याद रखना। धन से ही प्रमोशन हो ऐसा जरूरी नहीं है, धन भी एक जरिया है। तो एक प्रमोशन व्यक्ति करता है सुविधा के लेवल पर, कि आपकी सुविधा क्या कर दी गई थोड़ी, देखो जी, तो व्यक्ति को लगता है कि नहीं मुझे सुविधा दी गई तो मुझे जो आउटपुट देना चाहिए वो क्या देना चाहिए। अब आज जो बड़ी बड़ी कंपनियों में यही है, व्यक्ति को दिया जाता है, हाँ कार दे दें और जो दें, बड़े बड़े तो प्लेन का भी किराया देंगे आपको, होटल का भी किराया देंगे, लेकिन आपसे फिर काम भी, ये भी अगर उसमें उनको लिखा कि आप कुछ गड़बड़ कर रहे हो तो आपको निकाल फेंकेंगे दो मिनट में, देंगे भी लेंगे भी छोड़ेंगे नहीं, वो याद रख। अरे व्यक्ति देगा तो लेगा तो है ही, बेवकूफ थोड़ी ना वो आपको दे रहा है, आप किसी और को दे रहे हो, आपको देने वाला कोई वो भी देख रहा है आपको, आप क्या कर रहे हो। तो एक तो सुविधा के स्तर पर है, लेकिन एक प्रमोशन और है, एक प्रमोशन अधिकार के लेवल पर भी होता है। अधिकार मतलब फिर वही, मेरे पास ज्यादा पावर है। देखो जी, जब आपके पास ज्यादा पावर दी गई और आप उसको पहचानते हैं कि इसको पावर देनी चाहिए, तो भी काम का आउटपुट लेवल क्या हो गया, बढ़ गया। देखो जी, ये टोटल इंडस्ट्री के लिए है टॉक, ये समझो आप। हाँ धन भी चाहिए, धन से भी प्रमोशन होता है, हो गई ना। प्रमोशन एक धन से भी है, एक सुविधा के लेवल पे भी है, और एक अधिकार के लेवल पे भी है। इतनी चीजें होंगी तो व्यक्ति का बोलो जी आउटपुट लेवल, एफिशिएंसी लेवल, स्किल जो है इसकी वो क्या हो जाएगी, इम्प्रूव हो जाएगी। अब किसी बंद मिल को चालू करना तो आप चालू करो कहां से, शुरुआत से, पकड़ में आती नहीं बात है। अच्छा ये हुआ समाज, अब प्रश्न एक बहुत बड़ा, उस फैक्ट्री में उस उद्योग में 2,000-10,000 काम करने वाले, प्रमोशन कितने का होगा, सबका। लो जी, इसलिए मतलब एस्ट्रिक मार्क लगा के रखना, ये 2,000 में से प्रमोशन कितने का करोगे आप, सौ
सबका प्रमोशन नहीं कर सकते, सबका एप्रिशिएशन नहीं कर सकते, सबको रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। देखो जी, ये तीनों चीजें, अरे 2000 में आपने 10 को कर दिया एक साल में, इससे ज्यादा थोड़ी ना कर सकते हो आप। 20 को कर दोगे आप, बड़ा ग्रुप हो तो थोड़े और ज्यादा, लेकिन और सबका क्या हुआ? रेस्ट पर्सन जितने बाकी रह गए उनका, वो उसी में रहेंगे। ये प्रोग्रेस है, ये जरा समाज की इसको पहचान के चलना। सबका प्रमोशन नहीं हो सकता, कोई तो कोई छूटेगा। अब कभी स्वामी जी मुझे बता रहे थे कि जो आर्मी चीफ बनता है, तो जो नीचे वाला रह गया, इसका मतलब उसमें काबिलियत नहीं थी, ऐसा नहीं था। हो सकता कहीं उससे ज्यादा काबिलियत हो, बट ऊपर जाते जाते कुछ चीजें अपने आप छटनी क्या हो जाती हैं, हो जाती हैं। वो आर्मी चीफ तो कितना बनेगा, एक ही बनेगा। और हर आदमी का लक्ष्य क्या है? आर्मी चीफ। कितने बन पाए आर्मी चीफ आज तक? सोचो आज तक कितने आर्मी चीफ और कितने सैनिक, कितने ब्रिगेडियर, कितने जनरल, कितने कर्नल, आर्मी चीफ एक। ये बात मुझे अभी तब समझ में आई जो स्वामी जी ने एक बात बताई कि गुरुदेव को बुलाया गया था और स्वामी जी को कहीं कश्मीर में, श्रीनगर में बहुत पहले। अब बड़ी समस्या थी उनके लिए क्या बोला जाए। वहां इस पर उन्होंने एक चर्चा की थी, असंतोष का स्वर नहीं होना चाहिए जीव में। इस पर उन्होंने ये बात की, सभी जीवों को वो चीजें नहीं दी जा सकती। आप सोचो सभी को आर्मी चीफ बना दिया जाए उस बैच के, तो कैसे चलेगा देश? बनेगा तो कोई एक बनेगा ना, लेकिन और सब फिर ये समाज के साथ यही होगा, यही होता है और ये होता रहेगा। सबको एक जैसी चीजें नहीं मिल सकती। फिर कर्म का मोटिवेटिव फैक्टर कौन? पकड़ में? मैंने ये एक आपको ये भी एक जगत दिखाया, एक जगत ये है जहां कर्म के मोटिव। लेकिन यहां जो आध्यात्मिक व्यक्ति है वो कहता है चलो वो ठीक है, मेरे इस जगत में कर्म का प्रेरक तत्व, कर्म का प्रेरक तत्व इच्छा कभी नहीं होनी चाहिए। ध्यान से देखना, मैं इसीलिए जल्दी इसको खत्म करूं क्योंकि सोचता हूं 2 दिन में ये विषय हो जाए। मैं कर्म करूं इसका प्रेरक तत्व कौन? ये प्रश्न है आपके लिए। कर्म का प्रेरक तत्व कौन? इच्छा परायण तो कर्म नहीं होता। हमारी इच्छा है तो करेंगे और हमारी इच्छा नहीं है तो फिर ऐसा तो नहीं चलेगा। आवश्यकता तो बहुत छोटी चीज हो गई। भाई आपका घर साफ है तो समाज तो साफ, तो आपकी आवश्यकता तो नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका तो घर कैसा है, हमारी आवश्यकता ही नहीं। तो मैं कई बार हमारी आवश्यकता नहीं है लेकिन फिर भी हम समाज के लिए वो काम, समाज भूखा है। नाउ द फर्स्ट जो आपने कहा उसको और थोड़ा पॉलिश करके कहो आप। मैं ये कर्म इसलिए करूंगा क्योंकि ये मेरा कर्तव्य है। लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग कर्तव्य में नहीं होती, इसको कर्तव्य बोलते हैं। वो ध्यान से समझना, ये कर्तव्य मतलब क्या? कर्तव्य में लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग नहीं है। यदि ये आपकी ड्यूटी है देन यू हैव टू डू, दैट्स ऑल, नो चॉइस।
मैंने बोला ना, च्वाइस आ गई तो योर पर्सनल एजेंडा। एक सेनानी के पास कोई च्वाइस, आप उसकी क्या बोलते हैं, उसकी ड्यूटी है। आप सो जाइए रात में, आप सो जाइए रक्षाबंधन पे, आप सो जाइए शादी में, आप सो जाइए दीपावली में, लेकिन जो जो पुलिस है और जो सुरक्षा करने, उनके लिए कभी आपने सोचा? कभी कभी हम लोग इतने मौज में रहते हैं, उन लोगों की क्या लाइफ होगी बेचारों की। कोई जंगल में पढ़ा है तो कोई ऊपर चढ़ा है, तो कोई पहाड़ पे चढ़ा है, तो कोई बर्फ पे चढ़ा है, रात दिन कोई ना कोई, कोई ना कोई उनकी उसकी बदौलत हम शांत हैं, वरना तब तक लूट लिए गए होते चीन और पाकिस्तान से। वहां उनका आप सोचो कोई चॉइस है, 70 डिग्री हो या 0 डिग्री, वो तो वहीं रहेंगे। बोले सोचो आप, इसको बोलते हैं जहां मेरी मन की वैयक्तिक इच्छा नहीं है, मुझे करना है तो फिर करना है, इसको बोलते हैं कर्तव्य परायण व्यक्ति। सोच के देखना आप जरा, मुझे ये कर्म ध्यान रखना, कर्म कराने वाला प्रेरक तत्व ड्यूटी है, यही होना चाहिए। ऑफ कोर्स आपको अच्छी लगे और चाहे आपको अच्छी न लगे। अब क्योंकि सबको अपने कर्म तो नीचे ही लगते हैं, ऐसा कोई करने लगे, अध्यापक बोले हमारा कर्म खराब है, सन्यासी बोले हमारा खराब है, इंडस्ट्री बोले आपका खराब है, गृहस्थी बोलते आपका, सबको अपना अपना खराब दिखाई देता दूसरे का, तो समाज तो ऐसे नहीं चलेगा। तो शास्त्र ने बोला तुमको अच्छा लगे और तुमको चाहे अच्छा, आपको ये करना है। बहुत सारी चीजें तभी समाज चल रहा है, इसको बोलते हैं ड्यूट। जहां चॉइस नहीं है, कर्म का प्रेरक तत्व कर्तव्य होना चाहिए। बट जाते जाते एक बात और आपको बोल दूंगी, लेकिन यही ही नहीं है। कर्तव्य करते करते व्यक्ति रूखा हो जाता है, आपसे बताऊं ड्राई, उससे बात करने पर, उससे मिलने पर एक जो रस का एहसास होता है वो रस नहीं होता। यदि वो व्यक्ति सिर्फ क्या है, बोले मेरा तो ड्यूटी आवर हो गया खत्म। ड्यूटी तो आपने की वो तो ठीक है, लेकिन आपसे मिलने पर कोई आनंद नहीं आता है। आदमी बोले मशीन है, काम करता है चला जाता है। ऐसे लोगों की सोशल लाइफ जीरो, कोई पसंद जीरो, बोले वो रस नहीं है इनसे बात करने में। ड्यूटी अच्छी है, और ध्यान रखना ड्यूटी में भी चॉइस नहीं है। ड्यूटी से भी एक ऊंची चीज है, वो है दास बन के भक्त बनकर ईश्वर प्रेरित होकर किया जाए, ये उससे भी ऊंची चीज है, बहुत बड़ी चीज। एक उदाहरण देता हूं आपको, देखना ये कर्मयोग है, याद रखना। इसलिए मैं अभी शुरुआत पहले ही श्लोक भगवान ने ऐसा डिस्कस किया है। अच्छा आप देखिए एक दृश्य आपके सामने कि राम को अकस्मात 14 वर्ष का वनवास मिला, ठीक है, किस कारण मिला? बोले 2 वर मांगे गए थे, ठीक है ना। राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत को क्या मिलनी चाहिए? राजगद्दी। अब वो एक दृश्य आया कि राम वन के गमन की ओर जाने के लिए तैयार हैं, कौन? राम और सीता। तो राम जी ने एक बात कही, आप जो मानस पढ़ने वाले हैं ध्यान से देखेंगे उसमें तो मिलेगा कि देखो
लक्ष्मण जी, भरत और शत्रुघ्न अभी है नहीं, क्योंकि वो लोग कहाँ गए थे? ननिहाल। मैं तो जा रहा हूँ वन की ओर। पिताजी की हालत ठीक नहीं है। अब तुम जब तक नहीं आ जाते, कौन? भरत। एक दो तीन दिन में आ ही जाएंगे, न्यूज़ तो मिलेगी नहीं, तब तक क्या करो, राजकाज को क्या करना, तो जरा कर्तव्य परायण बनना, धर्म पूर्वक रहना, ये तुम्हारे लिए ये एक उपदेश है, आदेश है। तो लक्ष्मण जी की क्या बनती थी? बोलो जी, कर्तव्य बनता था। लक्ष्मण जी ने बहुत अच्छा जवाब दिया है, ये धर्म मुझे कुछ नहीं पता, मुझे ड्यूटी नहीं करनी है, मैं तो एक छोटा बांस आया, मैं तो छोटा हंस का बच्चा हूं, मैं क्या जानू ये कर्तव्य और मैं क्या जानू ये ड्यूटी, मुझे कुछ नहीं, मैं तो जहां आप हैं वहां मैं हूं, ये मुझे पता है, इसके सिवाय दूसरी कोई बात नहीं पता है। अब लो जी, कर्तव्य को छोड़ा कि नहीं छोड़ा, छूटा कि नहीं छोड़ा, मतलब उससे भी तो एक ऊंची भूमि है, लेकिन क्या निंदा हुई कहीं लक्ष्मण जी की? कर्तव्य छूटा, अरे छोड़ना ही पड़ता है, लेकिन उसका मोटिवेटिव फैक्टर कौन है? ईश्वर। वाह, ये भी एक दृश्य है, और दूसरा भी दिखा देता हूं आपको, इन्हीं के भाई साहब को आप देखना। जब भरत जी आते हैं तो ये लोग चले गए, ये सब चले गए, और बोलते हैं जब ये सब शांत हो गया तो एक सभा बुलाई गई, एक मीटिंग बुलाई गई, उसमें कुछ ऐसा होना चाहिए, ऐसा बड़े प्रोटोकॉल होते हैं कि कोई घटना जब घटे तो सभा में उस घटना को क्रमवार बताना चाहिए, जिससे कि जो कंफ्यूजन है, जो मिसकम्युनिकेशन है, वो क्या हो जाए, दूर हो जाए। ये एक प्रोटोकॉल होता है कि वह जो व्यक्ति है, जो भी उसको लीड कर रहा हो सभा को, उसको पूरी जो घटनाएं है उसको क्या बताना चाहिए, क्रमवार बताना चाहिए, भले लोगों को पता हो। बात बताई गई गुरुदेव ने, किसने? वशिष्ठ जी ने। दशरथ जी से वर मांगा गया, किसके सामने बोल रहे हैं? भरत जी शत्रुघ्न जी से, ध्यान रखना। दशरथ जी से वर मांगा गया, 14 वर्ष का वनवास, भरत को राजगद्दी, इसी बीच उनके जो थे प्राण जाने लगे, उनकी शारीरिक स्थिति अच्छी नहीं रही, भगवान तो वन के गमन की ओर चले गए। आज स्थिति है कि उपद्रव नहीं है, लेकिन देश की व्यवस्था को क्या है, संभालना है। हमको भी लगता है और सबको लगता है कि आपको राजगद्दी क्या करनी चाहिए, इस वाक्य में गुरुदेव की सहमति थी, मंत्री की सहमति थी, कौशल्या जी की सहमति थी, देखो जी, और उसमें पीछे क्या बोला गया, आपके पिता एक वरदान को पूरा करने के लिए अपने प्राण, तो आपको दूसरा वरदान तो क्या करना चाहिए, समझना ये बात, क्या कहिए, एक वरदान के लिए उनके क्या चले गए, तो जो अभी भी उनकी जो चीजें पूरी नहीं हुई हैं, क्योंकि जो उन्होंने दूसरी शर्त की थी वो नहीं हुई अभी भी, अब इतना प्रेशर सबका। भरत जी क्या बोलते हैं, यद्यपि यह समझत हम नीके, नीके मतलब अच्छे से, आप जो कहना चाह रहे हैं और जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं, गलत नहीं कह रहे हैं आप, तदपि होत परितोष न जी के, लेकिन मेरे मन के अंदर बैठा हुआ अंतर्यामी इसकी स्वीकृति नहीं दे रहा। आप कर्तव्य से ऊंचा चले गए, नहीं संभाला राजगद्दी, कहां गए? चित्रकूट। देखो जी, इन घटनाओं को जरा देखिएगा, क्यों हुआ? कर्तव्य का पालन कर लेते,
कर्म का एक प्रेरक तत्व कर्तव्य है, कोई मनाही नहीं करता, लेकिन कर्तव्य से भी एक ऊंची चीज है, वह है दास भाव। मैं आपका हूं, आपकी जो इच्छा होगी मैं वो करूंगा, मेरी जो ड्यूटी है वो नहीं, देखना जरा, मेरी जो ड्यूटी है मैं उसको नहीं, उसको तो मैं देखता ही नहीं हूं, आपकी क्या इच्छा है। देखो जी, तो वो सर्वोपरि किसको रखता है? ईश्वर को। हनुमान जी के में क्या था, इसलिए मैं कभी कभी बोलता हूं, हनुमान जी का पर्सनल एजेंडा सोच के खोजना आप, एक भी वैयक्तिक इच्छा, समझदार व्यक्ति इन सबको बहुत अच्छे से पकड़ता है, समझदार व्यक्ति इन सब चीजों में बहुत निगाह रखता है, पर्सनल एजेंडा क्या है। जब पर्सनल एजेंडा होगा इसका मतलब आप सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार नहीं है, इसका दूसरा एस्पेक्ट ये, बलिदान नहीं कर सकते आप, क्योंकि मेरा पर्सनल एजेंडा है, बहुत बड़ी चीज है। कर्म करने के जो प्रेरक तत्व होने चाहिए वो सबसे पहला एक होवे कर्तव्य, और जब धीरे धीरे वो मैच्योर्ड हो तो उसको आध्यात्मिक टच देने की बात है कि मैं ईश्वर की प्रीति के लिए कर रहा हूं, स्वयं की इच्छा के लिए नहीं। पहला श्लोक, कर्तुः आज्ञया प्राप्यते फलम, प्राप्यते लियते नहीं, तुम लेते नहीं हो, दिया जाता है, दिया किसके जाता है, उसकी, उसमें आपका कोई वश नहीं है, पकड़ में है? मैं जो करूं वो मेरे पर्सनल एजेंडे के अनुसार ना करूं, एक पहला काम, मेरी लाइकिंग और डिसलाइकिंग से नहीं हो, सामने वाले को, देश को, समाज को, माता पिता को क्या चाहिए मैं वो करूं। मुझे नींद प्यारी है, और माता पिता कहते हैं कि नहीं थोड़ा जाग जाओ हॉस्पिटल में, अब आप क्या करोगे? तो आप क्या, जो उनको चाहिए वो मैं करूंगा। तीन ही बोले गए आदर्श आपके यहां, माता पिता गुरु, जहां आपकी वैयक्तिक इच्छा मायने नहीं रखती है, वहां बोला गया विनय विचार करी शुभ जानी। मुझे याद आता है मानस में, मात पिता गुरु प्रभु के वाणी, ये सती जी के लिए है, बिना ही विचार, देखो वहां पे एक चीज बोली गई कि आप अपने विचार को क्या कीजिए, ये यही कर्मयोग, करिए शुभ, जो जो किया वो क्या हो गया, शुभ बन गया, बना ना, क्यों मेरी कोई पर्सनल इच्छा, हाँ उसके बाद आए कर्तव्य तो ये हुआ, लेकिन इससे भी अच्छी एक प्रोग्रेस ये है कि मैं उस ईश्वर के लिए करूं, इसको कर्मयोग बोलते हैं, हो गया ना। आप देखना ये मां कर्म फल हेतुर्भु, मां मतलब नहीं कर्म के फल के कारण तुम मत बनो, तुम मत बनो मतलब योर पर्सनल एजेंडा, कर्म के फल का कारण कौन बने, ईश्वर बने, कर्तव्य बने, तुम मत बनो, क्योंकि तुम बनोगे तो फंस जाओगे। ये बाद में आगे बोलते हैं, कोई ये सोचे कि इससे अच्छा तो क्या करो, कर्म ही कर्तव्य को क्या किया जाए, ना किया जाए, फंसा ही ना जाए, भगवान बोलते हैं माते संगोस्व अकर्मणी, अकर्मी बन के मत बैठो, मतलब कर्म तो करो तो फिर किससे करो, देखो फिर भगवान ने किया, अकर्मी बैठना अध्यात्म नहीं है, लोग समाज से ना अकर्मी बन के बैठे तो बोले अध्यात्म है, छोड़ छाड़ के बैठे बोले अध्यात्म, छोड़ने से अध्यात्म का पालन थोड़ी ना होता है, छोड़ने के पीछे कई कारण है,
आपकी असफलता, और असफलता के कारण आप मनी आध्यात्मिक हूं। अरे आप असफल हुए इसलिए छोड़ा आपने, आपको आता ही नहीं करना इसलिए मैंने छोड़ दिया, गिव अप, तो मैं आध्यात्मिक हो गया। आपने इसलिए छोड़ा क्योंकि आप आलसी हो, आप आध्यात्मिक नहीं हुए, आपको करना नहीं आता। तो अकर्मण्यता के कई कारण हैं, इसलिए अकर्मण्यता को अध्यात्म नहीं कह सकते, निष्कर्मी को अध्यात्म कहा गया। अकर्मण्यता और निष्कर्म में दोनों में एक कॉमन चीज है कि कर्म का अभाव। निष्कर्मी एक ऐसी स्थिति है जहां कर्म करने की आवश्यकता, ठीक है, और अकर्मण्यता भी एक ऐसी स्थिति है जहां कर्म का, लेकिन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है कि वो काम क्यों नहीं करता। एक इसलिए नहीं करता क्योंकि जो चाहिए था वो मिल गया, जो चाहिए था वो मिल गया तो क्यों करे। एक ये है कि उसको करना ही नहीं आता, इग्नोरेंस, इसलिए वो नहीं करता। तो दिखता तो ये दोनों नहीं कर रहे हैं, पर दोनों के नहीं करने में बहुत अंतर है। आगे इसको कल भी देखेंगे। कल कितनी तारीख है? कल क्लास है 17 भी क्लास है और आपकी 18 भी क्लास है, याद रखिएगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।